सो हे गाइस यार, दिस इज योर होस्ट एंग्री ओम एंड वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। गाइस यार, आज की वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और उसी के साथ में हेल्पफुल होने वाले उन बंदों के लिए भाई जिनका एक यूट्यूब चैनल है या फिर जो नए बंदे यूट्यूब पर आना चाहते हैं और अपना पीसी का जो गेम प्ले है उसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करके भाई बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है गाइस, वो अपना जब गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी टाइम जो उनका पीसी बहुत ज्यादा लैग हो रहा है या फिर जब वो रिकॉर्डिंग हो भी जाता है तो लेकिन उसका क्वालिटी जो है ना बहुत ही ज्यादा गंदा आ रहा है, उसी वजह से मतलब उन बंदों का मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस ये सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने एक है ना सोचा कि यार सॉल्यूशन डिटेल वीडियो बनाई जाए इस सारी प्रॉब्लम के ऊपर, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो। तो आज की वीडियो में गाइस मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं जो कि एक पूरी तरीके से फ्री रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको मतलब कोई वाटरमार्क यहां पे नहीं आने वाला है और जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं और मेरे साथ ही साथ मतलब बहुत सारे बड़े यूट्यूबर इसको यूज करते हैं। और आप में से बहुत सारे बंदों का ये सवाल है कि एंग्री भाई आप मतलब कैसे रिकॉर्ड करते हो अपनी जो गेम प्ले की वीडियो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेरा 2GB का ग्राफिक कार्ड है फिर भी मतलब अच्छी क्वालिटी आती है मेरी वीडियोज में, वो भी मतलब सेटिंग बताओ। तो मेरी सेटिंग के साथ साथ बड़े यूट्यूबर की उनकी भी आपको पता है कितनी अच्छी है ना ओपी वाली क्वालिटी आती है उनके गेम प्ले की, तो उनकी सेटिंग भी यहाँ पे बताने वाले हो। एंड उसी के साथ में गाइस जिनका लो एंड पीसी है मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम बहुत ज्यादा लैग होता है उनके लिए भी यहाँ पे मैं बेस्ट सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि लैग फ्री रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे और वो भी अच्छी क्वालिटी में। एंड ये सॉफ्टवेयर में जो जिसकी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में गाइस, उसका डिटेल में मतलब कैसे इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और कैसी कैसी सेटिंग रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग की जो सेटिंग करनी है मतलब बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पूरा मतलब बताने वाला हूँ मैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है तो एंड तक वीडियो को जरूर से देखना। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि यार एक ट्यूटोरियल की वीडियो, तो यानी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी कि आपके जो रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम है पूरी कैसे सॉल्व हो जाएगा। एंड मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है, यानी कि इसमें मैं आपको रिकॉर्डिंग का मतलब कैसे करना है सब सेटिंग बताने वाला हूं और इसी सॉफ्टवेयर का यूज करके आप है ना स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। अगर आप है ना उसका कमेंट करते हो कि एंग्री भाई स्ट्रीमिंग के ऊपर भी वीडियो बनाओ, तो इसका मैं जरूर से दूसरा पार्ट भी लाऊंगा क्योंकि बहुत मतलब डिटेल में मतलब बताने के लिए भाई 2-3 पार्ट बनाना पड़ेगा। तो एंड तक वीडियो देखोगे तो उसके बाद में आपको कोई भी मतलब यहाँ पे वीडियो दूसरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर से लाइक कर दो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मेरे भाई बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आप सबसे पहले उसको देख पाओगे। और कुछ भी क्वेश्चन है तो भाई कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर भी वहाँ पर मुझे ज्वाइन करके पूछ सकते हो, दोनों का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की मजदूरी बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले गाइस हम लोग उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने वाले हैं जिसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे यहाँ पे मैं गूगल क्रोम को ओपन कर रहा हूँ और सिंपली आपको OBS ऐसा टाइप करना है, OBS ऐसे टाइप करोगे OBS स्टूडियो सजेशन में आ जाएगा, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट वाली जो लिंक दिख रही है ना यहाँ पे OBS स्टूडियो, बस आपको सिंपली उसी लिंक पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा एक नंबर पे आ चुकी है OBS स्टूडियो, जैसे आप मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे लोडिंग लेगा और यहाँ पे उसका ऑफिशियल जो है OBS का जो है ना वेबसाइट आ चुका है जो कि है OBS स्टूडियो, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो ऊपर और यहाँ पे नीचे वाली जो लिखा है जो कि 3 मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो विंडोज, मैक OS और उसके साथ में लिनक्स, यानी आप तीनों के ऑपरेटिंग सिस्टम पे OBS को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। और नीचे देख सकते हो फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीम, जो इसे मैंने बताया था फ्री सॉफ्टवेयर है तो कोई है ना मतलब पैसा देना नहीं पड़ेगा। और नीचे जो है इसके फीचर्स दिए गए जो कि अंग्रेजी लैंग्वेज में, जिसको मैं आपको हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से सरल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, पूरा एंड तक वीडियो देखो। यहाँ पर देखते हो सपोर्ट्स विंडोज 8.1, विंडोज 10 एंड विंडोज 11, यानी कि तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप मतलब इसको कर सकते हो डाउनलोड और यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ना डाउनलोड करने के लिए विंडोज पे क्लिक करूंगा तो इसकी यहाँ पे फाइल जो है डाउनलोड हो रही है, इसको कि मैंने पहले ना डाउनलोड करके रखा है, जो कि आपका जहाँ पे भी डाउनलोड लोकेशन होगा वहाँ पर ये फाइल आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड में मेरी ये फाइल आ चुकी है, बस सिंपली आपको यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जो कि आप कौन सा भी सॉफ्टवेयर यूज मतलब इंस्टॉल करते हो, जैसे आपको पता ही होगा कैसे यूज मतलब इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो आपका यहाँ पे काली चक्री जैसा दिख रहा होगा मतलब उसका आइकॉन बन जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, बस आपको सिंपली यहाँ पे इसको डबल क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया हूँ मैंने और ये आपके सामने जो है OBS का पूरा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर मैंने पहले से कुछ सेटिंग किया हो ना तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको बिगिनिंग से पूरा समझा सकूँ कि कैसे कैसे इसको क्या क्या होता है मतलब कैसे कैसे ऐड करना होता है। तो गाइस जब आप OBS को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपके सामने यहाँ पे ब्लैक बॉक्स दिख रहा होगा, ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। हमको क्या करना है गाइस, यहाँ पर अपना जो भी गेम प्ले आप रिकॉर्ड करना चाहते हो वो यहाँ पर ऐड करना है, वो कैसे ऐड करना है वो मैं पूरा आगे बताता हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि कैसे इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, ठीक है। अभी मैं फटाफट से आपको ओवरलुक दे देता हूँ इसके फीचर्स का, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सीन्स दिख रहा है, उसके राइट साइड में आपको दिख रहा होगा जो कि है सोर्सेस और उसके यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा होगा बीच में सेंटर में वो है हमारा ऑडियो, यानी कि गेम का ऑडियो हमारा ऑडियो, ठीक है।
है। और यहाँ पे उसको कंट्रोल्स में आपको दिख रहा होगा स्टार्ट स्ट्रीमिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, बहुत सारे ऑप्शन है। मेन यहाँ पर जो है हमारा वो सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के भाई सेटिंग अच्छी जब करोगे आप तभी आपका जो है लैग फ्री रिकॉर्ड होगा और अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने आपको ओवरलुक दे दिया, अभी मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि कैसे क्या क्या ऐड करना है। अभी जो मैंने आपको सारे फीचर बताए उसको मैं डिटेल में यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आते हैं सीन्स में। ठीक है, आपको यहाँ पे अलग अलग सीन्स ऐड करनी होती है, जैसे एक दो तीन कितनी भी आप कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे दो ऐड करता हूँ, एक है लाइव स्ट्रीम के लिए और दूसरा गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नई सीन ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा प्लस का ऑप्शन, आप उसको बस क्लिक कर देना और यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। आप अपनी सीन को नाम दे सकते हो डायरेक्टली या फिर ओके करके इसको सेव भी कर सकते हो। यानी कि एक और हमारी जो सीन है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, आप अपने मन चाहे यहाँ पे बहुत सारी सीन्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी सेकंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि है सोर्सेज, यानी कि आपको ये ब्लैक बॉक्स में कौन से सोर्स से मतलब रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लैक बॉक्स में वो लाना पड़ेगा, सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी आपको प्लस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बहुत ही सारे ऑप्शन है भाई, इसको अगर मैं एक एक समझाना जाऊँगा तो एक वीडियो कम से कम एक घंटे का बन जाएगा। तो लेकिन मैं यहाँ पे अपने जो मेन हमारा रिकॉर्डिंग के लिए बहुत मतलब सिर्फ दो ही ऑप्शन मतलब इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी सारे के बारे में बाद में बताते हैं। सबसे पहला वाला है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिफ्थ नंबर पे, और उसके बाद में है जो है वो है विंडोज़ कैप्चर। ठीक है, ये दो हमारे लिए मेन है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अब डिस्प्ले कैप्चर के बारे में बता देता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे कैसे ये मतलब किस लिए वर्क करता है। यहाँ पे मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो फिर से हमको क्या करना है, इसका नेम चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, सिंपली ओके कर देना है। यहाँ पे आपको आपने दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा डिस्प्ले मतलब कैप्चर हो रहा है, और यहाँ पे नीचे जो आपको दिख रहा होगा कैप्चर कर्सर, यानी कि जैसे मैं इसको अनटिक करूँगा तो मेरा कर्सर कैप्चर नहीं होगा, और इसको मैं जैसे मैं टिक कर दूंगा मेरा कर्सर भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। यानी डिस्प्ले कैप्चर यानी हमारे डिस्प्ले पे जो भी चल रहा है, जो भी यहाँ पे हमें एक्टिविटी चल रही है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो माउस को मैं वैसे ऐसे हिला रहा हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पे आ रहा है, तो डिस्प्ले पे जो भी चले जाएगा मतलब चल रहा होगा, जो भी एक्टिविटी चल रही होगी वो आ जाएगी। अभी समझ लो कोई भी कभी क्या होता है गाइस, ये ऐसा छोटा डिस्प्ले हो जाता है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है उस डिस्प्ले पे, और यहाँ पे जैसे रेड हो जाएगा ना इसको कंट्रोल प्लस एस दबाना है। ठीक है, कंट्रोल एस दबाना है। फिर से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जैसे समझ लो ये नीचे चला गया साइड को, यहाँ पे राइट साइड को चला गया, अब आपको क्या करना है फिर से इसको मतलब क्लिक करना है, रेड होने देना है और फिर से यहाँ पे कंट्रोल एस दबाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे करता हूँ मैं कंट्रोल एस। ठीक है, अब ये पूरा मतलब पूरा स्क्रीन में फिट हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग मैं आपको दूसरा बताता हूँ जो कि मेन हमारा होता है गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए, वो होता है हमारा डिस्प्ले कैप्चर में हम लोग को है ना सिर्फ ना विंडोज़ कैप्चर करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमने देख लिया डिस्प्ले कैप्चर, अभी चलते हैं हम लोग विंडोज़ कैप्चर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से आप इसको नाम देके कर सकते हो और इसको ओके कर देना। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे सिर्फ है ना विंडो कैप्चर होगा, यानी कि वो पर्टिकुलर विंडो यहाँ पे कैप्चर होने वाली है। जैसे यहाँ पे मुझे है ना जो है हमारा ब्लू स्टैक अंदर रिकॉर्ड करना है, जो कि हमारा फ्री फायर यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ मैंने। जैसे आप इसको डबल क्लिक करोगे ना आपके सामने ऐसा पैनल आ जाएगा, यहाँ पे सोर्स में आपको है ना वो सोर्स ढूंढना है। जैसे यहाँ पे ब्लू स्टैक नहीं आया तो आपको कुछ क्या करना है, सबसे पहले ब्लू स्टैक को ओपन करना है, फिर ओबीएस को करना है। दो तीन बार आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आपको फिर से क्या करना है, इसको कैंसिल करके पहले इसको ओपन करो, इसको मिनिमाइज कर दो, फिर इस पे ऊपर डबल क्लिक करो, फिर उसके बाद में सोर्स में जाओ। यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा अभी यहाँ पे एक और बार नहीं आया। ठीक है, मैं और एक बार कर देता हूँ यहाँ पे फिर से इसको, ऐसे ही प्रॉब्लम आती है तो वही आपको दिखा रहा हूँ कि कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अभी यहाँ पे आ चुका है ब्लू स्टैक का ऑप्शन, इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अभी फिर से मैंने जैसे आपको बताया था कि ऐसे अगर विंडो छोटा हो जाता है तो आपको कंट्रोल प्लस एस दबाना है। ठीक है, अभी ये पूरा मतलब है ना फुल स्क्रीन में आ चुका है। अभी गाइस विंडोज़ कैप्चर यानी क्या गाइस, सिर्फ हमारा पर्टिकुलर विंडो यहाँ पे कैप्चर होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे ब्लू स्टैक मेरा जो इमुलेटर है वो यहाँ पे कैप्चर हो रहा है। अगर आप कोई दूसरा गेम खेलते हो तो उसका भी विंडो यहाँ पे आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा। अभी यहाँ पे दूसरा कुछ भी कैप्चर नहीं होगा, सिर्फ मेरा ब्लू स्टैक का जो मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ वही कैप्चर होगा, यानी जो कि हमारा गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैंने गाइस आपको यहाँ पे है ना सीन्स ऐसे ऐड करनी है वो बता दिया है, उसी के साथ में जो है ना सोर्सेज कैसे ऐड करनी है वो दोनों चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दिए। फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि सीन्स और जो हमारा मतलब विंडोज कैप्चर और जो डिस्प्ले कैप्चर में वो होता क्या है। ठीक है, विंडोज कैप्चर यानी पर्टिकुलर विंडो हमारी कैप्चर हो गई जैसे हम लोग गेम यूज करने के लिए करते हैं, और डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले पे जो भी चले जाएगा मतलब जो भी होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, दोनों का फर्क आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते जो थर्ड वाला जो फीचर है वो है यहाँ पे ऑडियो का फीचर। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डेस्कटॉप ऑडियो, यानी कि हमारे जो मतलब गेम में जो ऑडियो होती है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, और नीचे जो आप ब्लू वाली लाइन दिख रहे हो जैसे आप इसको कम ज़्यादा करोगे तो उतनी ज़्यादा मतलब वॉल्यूम उसकी रिकॉर्ड हो जाएगी, और जैसे आपको अगर म्यूट करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करना है जो यहाँ पे साउंड का दिख रहा है, फिर उसके बाद में वो ना मतलब ऑडियो है ना जो है ना रिकॉर्ड नहीं होगी। माइक का भी कुछ इस तरीके से ही है, माइक को आपको अलग से अपना जो पीसी सपोर्टेड माइक होगा वो लगाना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से आप अपनी खुद की आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर इसको म्यूट भी कर सकते हो। अब इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं, बाकी जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में बताना
जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। ठीक है, अभी आपको समझ में आ चुका होगा सोर्स ये सब जो चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है, अभी चलते हैं हमारी जो सेटिंग है उसकी तरफ। सेटिंग को जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बहुत सारी सेटिंग यहाँ पे दिख जाएगी, जैसे कि जनरल, स्ट्रीम, आउटपुट, ऑडियो, वीडियो, हॉटकीज़ और ये जो है एडवांस। ठीक है, ये बहुत सारी सेटिंग है, लेकिन हमारी जो है ना मेन हमारी रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे दो तीन ही सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल में आप देख सकते हो, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जनरल में कुछ मतलब डिफॉल्ट ये सारी जो सेटिंग होती है वो डिफॉल्ट ही मतलब होती है। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, थीम को बदल सकते हो और कुछ मतलब यहाँ पे चेंजेस करना ज़रूरी नहीं है। स्ट्रीम का तो आपको पता ही है, स्ट्रीमिंग के लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी हमारा जो मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा आउटपुट, ऑडियो और वीडियो। ठीक है, ये हमारा रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आउटपुट, वीडियो और ये जो ऑडियो होता है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है रिकॉर्डिंग के लिए, हमारी गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए। अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आउटपुट का। ठीक है, यहाँ पे दो मोड यहाँ पे दिया गया है हमारे लिए, जो कि हमारा सिंपल मोड और एडवांस मोड। ठीक है, एडवांस मोड की बाद में बात करते हैं भाई कभी। अभी हम लोग सिंपल मोड पे जान लेते हैं कि जगह अगर आपका लो एंड पीसी है फिर भी आप कर सकते हो, अगर हाई एंड पीसी है फिर भी आप कर सकते हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी वीडियो की क्वालिटी इस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड रहती है, वो है वीडियो का बीट रेट। ठीक है, अगर आपका वीडियो का बीट रेट ज़्यादा होगा तो आपकी जो क्वालिटी होगी ना रिकॉर्डिंग के बाद बहुत ही मतलब है ना एकदम क्लियर आ जाएगी, कोई भी लैग नहीं दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लियर आ जाएगी, बहुत ओपी वाली यहाँ पे रिकॉर्डिंग की क्वालिटी आपकी आ जाएगी जितना आप इसको ज़्यादा रखते हो। जितना आप इसको कम रखोगे तो उतनी आपकी लैगी रिकॉर्डिंग लगेगी, ऐसा लगेगा कि यार लैग हो रहा है रिकॉर्डिंग में, ऐसा आपको लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसको 20,000 से ऊपर नहीं रखना है, 20,000 के बीच में ही रखता है। जैसे मैं इसको मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूँ तो यहाँ पे 10,000 ही रख देता हूँ। ठीक है, तो आपको 20,000 से ज़्यादा नहीं रखना है। इनकोडर को आपको X26264 यहाँ पे रिकॉर्ड रखना है इनकोडर को, और ऑडियो को जो है 160 रखना है। इनकोडर प्रीसेट को यहाँ पे वेरी फास्ट पे सेट करना है। बाकी रिकॉर्डिंग का आप अपने हिसाब से यहाँ पे रिकॉर्डिंग पाथ दे सकते हो जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग सेव करनी है। रिकॉर्डिंग क्वालिटी को आप हाई क्वालिटी मीडियम फाइल से, यानी अच्छी क्वालिटी में होगी लेकिन ज़्यादा लंबा मतलब बड़ा साइज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को भी आपको MP4 सिलेक्ट करना है और इनकोडर को X264 यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लो एंड हो या फिर हाई एंड PC हो, उनके लिए बहुत बेस्ट सेटिंग है। अब जैसे आप इसको अप्लाई करोगे तभी जाके आपकी जो सेटिंग आपने की है वो अप्लाई हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारे ऑडियो की। ऑडियो को यहाँ पे सैम्पल रेट 48 Hz रखना है। चैनल को भी जो है आपको यहाँ पर स्टीरियो रखना है जनरल की सेटिंग में, ऑडियो की जनरल सेटिंग में। ठीक है, ग्लोबल ऑडियो डिवाइस है, यानी कि आप अपने जो डिफॉल्ट ऑडियो है उसको करना चाहते हो, या फिर जैसे आप मैंने बताया था डेस्कटॉप का जो ऑडियो होगा वो यहाँ पर डिफॉल्ट ही ले लेगा, या फिर आप अपने हिसाब से अपना जो मतलब आपका जो ऑडियो का जो है जहाँ पे जैसे दिख रहा होगा मेरा यहाँ पे Acer, यानी कि जो मेरा Acer का जो मॉनिटर है उसका मतलब ऑडियो का जो सिस्टम होगा वो यहाँ पे ले लेगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आप अपने दो ऑडियो मतलब डेस्कटॉप ऑडियो सेट कर सकते हो, डेस्कटॉप 1 और डेस्कटॉप 2। यहाँ पे मैं दूसरे को डिसेबल रखता हूँ, और माइक का देख सकते हो, माइक का जो भी आपका माइक होगा ना वो वहाँ पे आ जाएगा, उसका मतलब जो माइक का मॉडल नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा ऑडियो में जाके माइक जो दिख रहा होगा आपको ऑडियो। ठीक है, यहाँ पे मेरा माइक्रोफोन NVIDIA RTX वॉइस का मैंने यहाँ पे प्लगइन रखा के रखा है, किसके लिए, क्योंकि मेरा जो नॉइज़ होगा वो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर ये NVIDIA का RTX का मैं आपको बाद में बता दूंगा कि आपका नॉइज़ कैंसिलेशन कैंसिल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी का जो 2, 3, 4 माइक के ऑप्शन है वो सारे डिसेबल रखना है, और नीचे वाली जो सेटिंग होती है ये तो सारी डिफॉल्ट होती है, इसको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे हमारे, जो कि है हमारा वीडियो का पार्ट। वीडियो की पार्ट में अगर आपको अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है विदाउट लैग का तो ये पार्ट जरूर से ध्यान से देखना। यहाँ पे आप अपने हिसाब से रिजोल्यूशन सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1920x1080p पे। मैं आपको यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पे कम रिकॉर्डिंग कैसे करनी है वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैं 720p पे कर रहा हूँ। अगर आपका लो एंड PC तो आपको इसी पे करना है। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा मतलब लैग होता है PC तो आपको यही फॉर्मेट पे रिकॉर्डिंग करनी है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 720p करके रखा है, FPS यहाँ पे 30 किया है, और जो हमारा फिल्टर है मतलब यहाँ पे BQBIC 16 सैंपल आपको यही पे सेट करना है, यही सेट करना है। ठीक है, आप इसको अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे छोटा मतलब चेंज दिखेगा कि जैसे यहाँ पे बोला था मैंने कंट्रोल S आपको दबाना है। ठीक है, तो फिर आपका जो है ना पूरा मतलब यहाँ पे स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका लो एंड PC है तो आपको 720p पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अगर आपका अच्छा है PC, अगर आपका मतलब लैग नहीं करता है फिर आप इसको 1920x1080p पे ना मतलब कर सकते हो आराम से, 60fps पे करना तभी मतलब अगर आपको स्लो मोशन करना है तो 60fps पे कर सकते हो। बस आपको फिर से अगर आप ऐसा छोटी स्क्रीन होती है तो आपको कंट्रोल एस दबाना है, जो कि मैंने आपको बता दिया था 2-3 बार, पता नहीं 4 बार बता दिया होगा मैं कि भाई अगर आपकी छोटी स्क्रीन होती है तो आपको कंट्रोल एस दबाना है। ठीक है, अभी शायद मैंने आपको सारा सेटिंग बता दिया है पूरा, सोर्सेज जो हमारा जो होता है स्क्रीन ऑडियो का, और उसके बाद में सेटिंग क्या रखनी है आपको, अगर आपको लो एंड PC है तो उसको लो ग्राफ मतलब रेजोल्यूशन पर रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीज़ें
मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब मैं गाइस आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अपनी रिकॉर्डिंग को एकदम कलरफुल तरीके से रिकॉर्ड करना है, जैसे आप देखते हो बड़े यूट्यूबर के, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि एकदम फीका फीका लग रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है गाइस। यहाँ पर हमने सोर्सेस में आपको विंडोज़ कैप्चर जो है क्रिएट किया था ना, उसको राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे फिल्टर सिलेक्ट करना है। फिल्टर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लस वाले जो आइकन है ना, यहाँ पे इसको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे है ना तीन नंबर वाला जो ऑप्शन आ जाएगा कलर करेक्शन, हम लोग को उसको क्लिक करना है और फिर यहाँ पे ओके कर देना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, गामा, कॉन्ट्रास्ट और जो ब्राइटनेस है इनको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, बाकी कुछ को मत छेड़ना मत क्योंकि फिर क्वालिटी जो है बहुत डल हो जाएगी भाई, इसको जीरो पे ही रहने देना। जो मेन हमको करना है वो अच्छे से मतलब कलर करेक्शन करने के लिए वो है हमारा सैचुरेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पहले जीरो कर देता हूँ ब्राइटनेस को। अब अपने हिसाब से आप इसको ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, अभी ज़्यादा मत करना, देख देख सकते हो कितना कार्टून के जैसा लग रहा है, ठीक है। आप इसको 0.40 से लेके 0.50 तक यहाँ पे रख सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे मैं कितना रख रहा हूँ इसको 0.41, ठीक है। एकदम मस्त लग रहा है, एकदम कूल लग रहा है, ओपी लग रहा है एकदम, यहाँ पे आपको तुरंत ही फर्क दिख जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो कितना मतलब फीका फीका लग रहा है ये, और यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग के लिए सेव किया इसको OBS में जाके, तो ये कितना एकदम मतलब डिसेंट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मतलब कूल लग रहा है बहुत। जब रिकॉर्डिंग आए तो भाई आप बोलोगे तो भाई एकदम मस्त हो गया यार ये तो, ठीक है। अभी मैंने आपको सारा यहाँ पे बता दिया है भाई, पूरा सेटिंग बता दिया है मैंने, कैसे कैसे क्या करना है, यहाँ पे सोर्स जो हमारा होता है, सीन्स कैसे ऐड करनी है, जो हमारा ऑडियो का जो क्या सेटिंग है, वो सारा सेटिंग यहाँ पे मैंने बता दिया है, और जो अच्छी रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको क्या करनी चाहिए लैग फ्री रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो भी सारी सेटिंग मैंने यहाँ पे बता दी है, जो कि वीडियो की सेटिंग में बता दिया था। आप रेजोल्यूशन कम कर सकते हो मतलब लैग फ्री रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब बात आती है रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करोगे तो यहाँ पे आपको रेड रेड दिखाएगा, यानी कि आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है, कितने सेकंड का हुआ है वो भी यहाँ पे दिखाएगा, कितना टाइम हुआ है। पॉज करने के लिए बस आपको पॉज के बटन को क्लिक करना है, रिज्यूम करने के लिए भाई उसी बटन को यहाँ पे क्लिक करना है आपको, फिर रिज्यूम हो जाएगी। और रिकॉर्डिंग को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया है, अभी यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हमारी सेव हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पाथ में, जो हमने स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग पाथ जो है सिलेक्ट किया था सेटिंग में से, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने यहाँ पे OBS रिकॉर्डिंग ये फोल्डर में उस वाली अपने जो सारे OBS के रिकॉर्डिंग है यहाँ पे सेव किया हूँ। यहाँ पे आपको ना डेट के हिसाब से डेट जो होगी ना, जिस डेट पे आपने रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना ओपी लग रहा है एकदम विदाउट एनी रूट किए वगैरह, भाई बंदे क्या करते हैं अच्छी कलरफुल रिकॉर्डिंग करने के लिए इमुलेटर को रूट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी रिकॉर्ड मतलब एक नहीं किया कि रूट वगैरह नहीं किया इमुलेटर को, बस बेसिक यहाँ पे है ना OBS की सेटिंग्स को भाई यूज़ करके बहुत ही ओपी एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ कर दिया है, कलर करेक्शन भी कर दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया भाई OBS का जो बेसिक मतलब बिगिनर से जो होता है, और जो पूरा एडवांस से मतलब पूरा एडवांस तो नहीं बताया, लेकिन जितना आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए भाई हेल्प हो जाए उतना मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है, तो वीडियो को थोड़ा स्लो स्लो करके भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम भी आती है तो कमेंट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं कमेंट में ज़रूर से रिप्लाई दूंगा, या फिर मुझे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पे भी है ना वहाँ पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है दोनों का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज़रूर से जाके मुझे पूछना, ठीक है, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूंगा आपको। एंड गाइस अगर आपको स्ट्रीमिंग के जो सेटिंग है ना OBS की उसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर से बताना कि एंग्री भाई स्ट्रीमिंग के सेटिंग के ऊपर भी वीडियो ज़रूर से लाओ, तो वो भी मैं वीडियो जल्दी से लाने का ट्राई करूंगा, तो कमेंट जरूर से करना मेरे भाई, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर से आके फॉलो करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, सब्सक्राइब भी कर दो। आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके अपना सहयोग जरूर से जताए, हम लोग को फॉलो करें जाके जरूर से करो। और आज की मजदूरी अभी खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।